एवरीवन एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी ये फेस पहली बार देख रहे हो देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विद यू ऑल अ मिंत्रा कुर्ती हॉल। एंड ये सारे के सारे कुर्तीज आर 100% कॉटन मटेरियल के, सो ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल होने वाले हैं फॉर द समर मंथ्स। काफी सारे लोग जैसे कॉलेज जाते हैं या फिर अपने वर्क प्लेस में जाते हैं जहाँ पे उनको काफी लॉन्ग टाइम स्पेंड करना होता है, या फिर काफी लोग तो घर पे भी कुर्तीज पहनना प्रेफर करते हैं, तो उन सबके लिए समर में तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है ये 100% कॉटन मटेरियल की कुर्तीज। एंड या लाइक आज के हॉल में मैं आपको जो भी सारे कुर्तीज दिखाने वाली हूँ ना, दे आर ऑल अंडर ₹500। सो या ये सारे के सारे कुर्तीज सुपर डुपर अफोर्डेबल और सुपर डुपर कंफर्टेबल होने वाले हैं। ओके, सो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स जस्ट क्विकली बिगिन विद द हॉल। फर्स्ट कुर्ती जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इज दिस वन, विच इज इन अ वेरी ब्यूटिफुल सॉफ्ट ऑरेंज सॉर्ट ऑफ अ कलर। आई थिंक इसको सैल्मन बोलते हैं, सैल्मन या फिर पीच सॉर्ट ऑफ अ कलर, मतलब बहुत ही लाइट ऑरेंज सा कलर है। और इसका जो मेन एम्ब्रॉयडरी वर्क है ना, वो इसके नेक टू चेस्ट एरिया तक दिया गया है। आई थिंक इसको हम यॉक एरिया बोलते हैं, तो इसका जो मेन एम्ब्रॉयडरी है वो आपको यॉक एरिया में ही मिलेगा। एंड अदरवाइज ये बहुत ही प्लेन सा कुर्ती है। लेंथ इसका ऑलमोस्ट आपको नी लेंथ या नी से थोड़ा सा नीचे आएगा। और इसके स्लीव्स भी आपको 3/4 स्लीव्स मिलते हैं यहाँ पे। एंड बहुत ही लाइक सॉफ्ट कॉटन मटेरियल में है, 100% कॉटन मटेरियल में है एंड बहुत ही सॉफ्ट है इसका मटेरियल। बाकी एक बार वॉश करने के बाद आई कैन ट्रूली इमेजिन कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होने वाला है, क्योंकि ये जो मटेरियल होता है ना, ये एक बार वॉश करने के बाद और ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड आई रियली लाइक दिस पर्टिकुलर कुर्ती। दिस इज बाय द ब्रांड कॉल्ड ऑरेलिया और आई एम द साइज स्मॉल। मुझे पर्सनली ऑरेलिया के कुर्तीज बहुत पसंद आते हैं एंड आई रिमेम्बर लाइक पिछले साल लॉकडाउन से पहले तक तो मैं हमेशा ऑरेलिया के एक्स्ट्रा स्मॉल साइज की कुर्ती पहनती थी, बट अभी आई फिट इन टू द साइज स्मॉल। बट या दैट्स ऑल राइट। ये था मेरा पहला कुर्ती विच इज रियली रियली सॉफ्ट कॉटनिश एंड इसका कलर भी बहुत ही ज्यादा प्यारा है। Now moving on to the next kurti, this is by the brand called Sangria and isme bhi mera size small hai and ye wala bahut hi beautiful floral print ka kurti hai, white colored ka kurti, usme ye sare flowers pink color mein bane hain and again this is also very soft 100% cotton material. Iska sleeves bhi 3/4 sleeves hi hai, iske end mein aapko aisa ye button up sort of a pattern milta hai roll up sleeves ki tarah। और इसका लेंथ भी काफी अच्छा है एंड फिटिंग भी इसका बहुत ही ज्यादा प्यारा है। इस बार मैंने जितने सारे कुर्तीज ऑर्डर किए हैं उन सब में से इसका फिट सबसे ज्यादा प्यारा है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है इसका फिट। प्लस द बेस्ट पार्ट इज दैट इस कुर्ती में आपको एक पॉकेट भी मिलता है, विच इज लाइक द बेस्ट पार्ट। एक कुर्ती में पॉकेट होना इज लाइक वाओ। एंड या लाइक पॉकेट आपको सिर्फ एक साइड में मिलेगा, दोनों साइड में पॉकेट नहीं है, सिर्फ एक साइड में ही है। बट या ओवरऑल ये बहुत ही प्यारा सा कुर्ती है, इसका ये फ्लोरल प्रिंट इज रियली रियली नाइस एंड या द कलर कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो रियली गर्लिश एंड प्रिटी, सो ओवरऑल आई रियली लव दिस कुर्ती। नाउ मूविंग नेक्स्ट टू माई फेवरेट कुर्ती फ्रॉम द एंटायर हॉल। जब मैं ऑर्डर प्लेस करी थी उस वक्त ये मेरा फेवरेट नहीं था, बट जब मैंने सारे कुर्तीज रिसीव कर लिए उसके बाद दिस वॉज माई फेवरेट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इसका ये कलर ही सबसे पहले बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, इट्स लाइक नॉट इवन अ प्रॉपर ग्रीन, ये ग्रीन और ब्लू का एक मिक्स वाला कलर मुझे लग रहा है और व्हाइट कलर का सारा इस पे प्रिंट रखा हुआ है एंड द कॉलर इज रियली रियली ब्यूटिफुल। आई मीन आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इसका कॉलर। सामने से आपको वी नेक मिलता है बट यहाँ पीछे से आपको एक लाइक फेक कॉलर सॉर्ट ऑफ अ थिंग मिलता है। और इसके स्लीव्स भी 3/4 है एंड स्लीव्स में आपको नीचे ये टाई अप सा मिलता है पैटर्न। और इसका लेंथ 3/4 सा लेंथ है एंड बॉटम में भी यहाँ पे ऐसे पाइपिंग दिया गया है व्हाइट कलर में। ओवरऑल दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कुर्ती। इसका ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, मतलब दिस एंटायर कलर जो कि एक ब्लू ग्रीन का मिक्स है और उस पर ये व्हाइट कलर का सारा प्रिंट और ये जो नेक लाइन भी है बहुत ही ज्यादा फ्लैटरिंग है और इसके स्लीव्स में भी ये जो डिटेलिंग है ना टाई अप के, ऑल ऑफ दिस थिंग्स जस्ट मेक आउट दिस कुर्ती रियली प्रिटी एंड रियली यूनिक। और आई थिंक दिस इज लाइक माई फेवरेट कुर्ती फ्रॉम द एंटायर हॉल। अगर आप लोग मुझसे एक कुर्ती का रिकमेंडेशन पूछो ना आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस हॉल, तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगी दैट यू शुड गो फॉर दिस वन। बहुत ही प्यारा सा कुर्ती है एंड एक्सट्रीमली समर अप्रोप्रिएट। सो या दिस इज लाइक
a must have. Next, I have one more kurti by the brand Aurelia. As I already told you, मुझे Aurelia की जो कुर्ती है वो बहुत अच्छे से फिट आते हैं. So this is how the kurti looks like. So ये कुर्ती आपको टील ब्लू कलर में मिलता है along with golden flower print. This kurti in cut sleeves. और इसके अंदर आपको कोई भी स्लीव्स नहीं मिलते हैं. मतलब अगर आप सोच रहे हो कि अंदर स्लीव्स होंगे और आप उनको अटैच कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है. दीज आर लाइक इन कट स्लीव्स. और अगर आप पर्सनली कट स्लीव्स पहनने में कंफर्टेबल नहीं हो, देन यू शुड नॉट गो फॉर दिस कुर्ती. बाकी इसके लेंथ की बात करें तो दिस हैज लाइक अ नी लेंथ, मतलब नी लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा. इसके बॉटम पार्ट में भी आपको बहुत ही अच्छा सा प्रिंट मिलता है. बाकी ये फ्रंट बैक दोनों साइड से ही प्रिंटेड है, सो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लुक देता है. एंड ऑल्सो अंदर आपको ऐसे लाइनिंग भी मिलता है, इफ यू कैन सी. सी या बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है. एंड या लाइक अगर आपको कट स्लीव से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस. समर्स में बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत कंफर्टेबल भी रहने वाला है. सो या दिस इज द नेक्स्ट कुर्ती. नाउ मूविंग नेक्स्ट, आई हैव दिस कलरफुल वाइब्रेंट सॉर्ट ऑफ अ कुर्ती. जब मैं ऑर्डर प्लेस करी थी उस वक्त ये वाला कुर्ती मुझे बहुत ही ज्यादा आई कैचिंग लगा था एंड बहुत ज्यादा पसंद भी आया था, क्योंकि इसमें इतने सारे कलर्स हैं. एंड आई डोंट थिंक मैंने पर्सनली कभी इतने सारे कलर्स लाइक एक बार में ट्राई किए हैं, बट दिस टर्न आउट टू बी लाइक रियली नाइस. एक तो इसका मटेरियल इज वेरी वेरी सॉफ्ट, एकदम ही कॉटन है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है. स्लीव्स भी जो है ना, ये 3/4 से थोड़ा ज्यादा है, बट नॉट इवन फुल स्लीव. तो ये समहाउ इन बिटवीन 3/4 टू अ फुल स्लीव के लेंथ है. एंड नेक में आपको ये वी नेक सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न मिलता है. और क्या लाइक इसका लेंथ भी काफी ज्यादा है. एंड ओवरऑल फ्रंट बैक दोनों तरफ से ही ये प्रिंटेड है. सो रियली रियली ब्यूटिफुल, बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स है इसके. बाकी ये मेरे को थोड़ा सा लूज तो था फिटिंग में, बट समर के हिसाब से काफी ज्यादा कंफर्टेबल है. सो मैं इसको रिटर्न तो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ. इनफैक्ट ये जो सारे कॉटन कुर्तीज होते हैं ना, ये आफ्टर वॉश थोड़ा सा श्रिंक कर लेते हैं. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट आप एक साइज अप ही बाय करो जब आप कॉटन कुर्ती या कॉटन का कोई भी सामान बाय कर रहे हो. सारे के सारे कुर्तीज आर ट्रू टू देयर साइज. मतलब इन जनरल मुझे स्मॉल साइज फिट आते हैं. एंड ये सारे जितने भी डिफरेंट ब्रांड्स की कुर्तीज हैं, ऑलमोस्ट सबके स्मॉल साइज मुझे फिट आ रहे हैं. बाकी मैं अपने सारे साइजिंग डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट आपके लिए बहुत ईजी हो जाए टू यू नो फाइनलाइज कि आपको कौन से साइज का कुर्ती परचेज करना है. नाउ मूविंग ऑन टू द फाइनल कुर्ती, विच इज वंस अगेन इन अ व्हाइट कलर. आई नो कलर तो रिपीट हो गया है, बट दिस वॉज रियली रियली प्रिटी. इसमें भी यू गेट फ्लोरल प्रिंट, बट इसमें जो फ्लोरल प्रिंट है वो थोड़े ज्यादा बड़े प्रिंट है और उस वाले में थोड़े छोटे प्रिंट्स थे. बट आई रियली लाइक दिस वन इज वेल, सो मैंने एक और व्हाइट कलर का ही कॉटन कुर्ती ले लिया. इसमें भी आपको 3/4 स्लीव्स मिलने वाले हैं. एंड दिस इज हाउ द नेक लाइन लुक्स लाइक. एंड इसका लेंथ आई थिंक काफी ज्यादा लंबा है, मतलब नी लेंथ से भी लंबा आएगा आपको ये. ओवरऑल ये थोड़ा लॉन्ग लेंथ वाले कुर्तीज के कैटेगरी में आएगा. एंड इसका बैक का नेकलाइन इज ऑल्सो वेरी वेरी मिनिमल, बहुत ही सिंपल सा कुर्ती है ये. बैक फ्रंट दोनों साइड यू आर गेटिंग द प्रिंट. सी थ्रू की बात करें तो हल्का सा सी थ्रू है, बट एक बार वॉश के बाद जब ये कपड़ा थोड़ा सा और यू नो सॉफ्ट हो जाता है, उसके बाद ये सी थ्रू नहीं रहेगा. बट अदरवाइज ऑल्सो आप हमेशा इनर तो कैरी कर ही सकते हो. ऑल इन ऑल दिस इज रियली रियली कंफर्टेबल. अभी फिलहाल तो मुझे ये वाला कुर्ती भी थोड़ा सा लूज है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि आफ्टर वॉश ये मुझे प्रॉपरली फिट आने वाला है. सो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी ऑल्टरेशन, आई एम ऑल्सो गोइंग टू कीप दिस कुर्ती विथ मी. सो आई एम रियली हैप्पी दैट ऑल ऑफ द परचेजेस वेर अ ह्यूज थम्स अप फ्रॉम माई साइड. And I can definitely recommend all of these kurtis to you all. So ये था मेरा Myntra का summer kurti haul. I hope आप सबको ये video पसंद आया होगा. And अगर पसंद आया है then please give this video a huge thumbs up. और अगर अभी तक आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है then please hit the subscribe button. और उसके पास जो bell button होगा उसको भी press कर देना, so that आपको मेरे नए videos के सारे notifications मिल जाए. And with that I'll see you all next time in a next video. Bye bye.